एक बार फिर टिकी है दुनिया की नजरें बच्चन फैमिली पर। एक ही महीने में अभिषेक की दो दो फिल्में हो रही हैं रिलीज। एक का डब्बा हो चुका है गुल, अगर एक्टिंग अब उन्हें खराब की है पिक्चर में, यू लेट अस डू इट अगेन और व्हाट। और दूसरी भी कहीं हो ना जाए फ्लॉप, इसलिए अमिताभ बच्चन है टेंशन में। बिग बी को सता रही है जूनियर बच्चन की फिक्र, और इसी फिक्र का अपने ब्लॉग में अमिताभ कर रहे हैं जिक्र। चिंता ऐसी है कि इसके लिए टोटके भी आजमाए जा रहे हैं। अमिताभ का कंसर्न है अभिषेक की फ्लॉप फिल्मों के बाद आ रही दम मारो दम को लेकर। अमिताभ चाहते तो हैं कि अपने बेटे की फिल्म के प्रमोशनल पिक्चर्स अपलोड करें, मगर डरते हैं कि कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। इसके लिए उन्हें अभिषेक की परमिशन चाहिए, क्योंकि ये एबी बेबी की एक सोलो फिल्म है और शायद अमिताभ को डर है कि कहीं ये भी खराब परफॉर्मेंस ना करे। अमिताभ जो अभिषेक की पिछली फ्लॉप्स के लिए किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, अब वो पहले से ही इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि अभिषेक मजदूरों की तरह प्रमोशंस कर रहे हैं। और इसी सोलो रिलीज को लेकर बिग बी अभिषेक के हार्डवर्क को एक खूबसूरत लिहाफ लगाकर पेश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि चंद दिनों पहले एक अखबार ने ये खबर छापी थी कि बॉलीवुड के शहंशाह अपने बेटे की फिल्म गेम के फ्लॉप होने का ठिकरा फिल्म मेकर्स की लैक ऑफ पब्लिसिटी पर मढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, रावण के वक्त भी अमिताभ के मुताबिक फिल्म इसलिए फ्लॉप हो गई थी क्योंकि एडिटिंग खराब थी। अभिषेक के करियर को लेकर अमिताभ की फिक्र तब भी दिखाई देती है जब वो मलिका शरावत के साथ काम करने से सिर्फ इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि मलिका अभिषेक के बारे में इसी तरह का कमेंट पास करती हैं। यहाँ तो सभी अपना मंच आगे चलाते हैं, हीरो का बेटा हीरो, चाहे जितनी फिल्में 20 फिल्में फ्लॉप हो फिर भी हीरो, हीरोइन की बेटी हीरोइन, इसकी गर्लफ्रेंड उसकी बीवी, ये सब चलता रहता है अपने बॉलीवुड में। यानी पूरा बॉलीवुड एक तरफ और अभिषेक एक तरफ। अब अमिताभ की अभिषेक को लेकर ये फिक्र तो तभी दूर हो पाएगी जब दम मारो दम के रिजल्ट सामने आएंगे, और अगर कुछ फेवरेबल ना भी रहा तो कम से कम अभिषेक के एफर्ट्स को तो दोष नहीं दिया जाएगा। आखिर बेचारे मजदूर की तरह प्रमोशन जो कर रहे हैं।